ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर, जैसा कि आप इसके नाम से ही जान पा रहे हैं, ट्रांसफार्मर जो है हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है ट्रांस और एक है फॉर्मर। ट्रांस का मतलब होता है चेंज और फॉर्मर का मतलब होता है ऐसी चीज जो एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करे। सो ट्रांसफार्मर जो हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक फॉर्म ऑफ एसी वोल्टेज को दूसरी फॉर्म ऑफ एसी वोल्टेज में क्या करता है, ट्रांस करता है, चेंज करता है। अगर तो लो वोल्टेज एसी है उसे हाई वोल्टेज एसी में कन्वर्ट कर देता है, और अगर हाई वोल्टेज एसी है उसे लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट कर देता है। यह है हमारा ट्रांसफार्मर जो एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। म्यूचुअल इंडक्शन हम जानते क्या होता है, अगर एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है, दोनों में क्या होती है, इंट्रैक्शन होती है। और वो इंट्रैक्शन कैसे होती है कि अगर हमारी एक कॉइल में क्या चल रहा है, करंट चल रहा है जो कि क्या है, अल्टरनेटिंग है, जिसका एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है टाइम टी के साथ। उसके कारण अब हमें पता है कि अगर करंट चल रहा है वायर में तो वो क्या बनेगा, एक इफेक्ट दिखाएगा अपने परपेंडिकुलर, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो सिंपली कहें करंट के परपेंडिकुलर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपली कहें अगर इसमें करंट चल रहा है हमारा आई, तो उसके कारण हमारा वी क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हमारी करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। और वो लिंक है जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज, वो हमारी जो है दूसरी कॉइल है C2 उसके साथ होगा, तो उसमें क्या बनेगी, EMF बनेगी। क्यों बनेगी, उसके अपोज को रोकने के लिए। जैसा कि हमने फैराडे लॉ में पढ़ा था, लेंज लॉ में हमने क्या देखा कि जो हमारी कॉइल है जब उसके साथ जो है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो क्या होता है, चेंज होता है, तो उसमें क्या बनती है, एक स्पेशल तरह की प्रॉपर्टी बनती है जिसे हम EMF कहते हैं, और जो लीड करती है आगे हमारे करंट को। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज है वो लिंक हो रहा है कॉलम टू के साथ, जो हमारी है कॉइल है टू, उसके साथ जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या बनेगी, EMF बनेगी। क्योंकि हमें पता है हमारा फ्लक्स है उसका क्या फार्मूला है, VA। और अगर सिंपली हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू हमारे फ्लक्स की, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, डीवी ओवर डीटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अपोज के कारण जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, लीड करता है EMF को। इस तरह हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में जो हमारी EMF है उसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कैसे, म्यूचुअल इंडक्शन से। और म्यूचुअल इंडक्शन से क्यों करते हैं, ताकि जो है अगर हम वायर से करें तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, हमें तो जो है हमारी वोल्टेज है उसे हमें चेंज चाहिए, चाहे हम वोल्टेज डिक्रीज कर सकते हैं चाहे तो वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को चेंज करने के लिए हमने क्या लिया, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन लिया। क्योंकि अगर हम सिंपली वायर से करंट चलाते तो जितनी वैल्यू, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है 5 एम्पीयर जो है करंट, तो यहाँ पर भी हमें 5 एम्पीयर मिलता है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर क्या किया है, इसकी टर्न को बढ़ा दिया है, यहाँ पर इसकी टर्न को कम कर दिया, अगर यहाँ पर 5 एम्पीयर है यहाँ पर 1 एम्पीयर हो जाएगा। ये सभी जो है आगे हमने वर्किंग में डिस्कस किया है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का, ताकि हम क्या कर सके, EMF में क्या कर सके, उसका जो है एम्पलीट्यूड है, जहाँ हमारी जो EMF की स्ट्रेंथ है उसको क्या कर सके, कम या ज़्यादा कर सके। किसके कारण, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। और इस तरह जो हमारी म्यूचुअल इंडक्शन के कारण क्या बनती है, EMF बनती है। जो कंस्ट्रक्शन है ट्रांसफार्मर की वो कुछ इस तरह है। हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर है। हमने यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर का यूज क्यों किया, क्योंकि हमारी जो है सॉफ्ट आयरन कोर है वो क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। वो क्या करती है, जितनी भी उसके पास से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरती है वो क्या कर लेती है, उसे अपनी अट्रैक्शन से अपने बीच में से पास करवाती है। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज कम होगी, हमारी जो है एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर की वो बढ़ जाएगी। इसके कारण हमने क्या यूज किया यहाँ पर, सॉफ्ट आयरन कोर का। उसके बाद हमारी जो है सॉफ्ट आयरन कोर है उसे हम क्या करते हैं, हम शीट के रूप में लेते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा ना करें तो हमारा क्या हो जाता है, एडी करंट बन जाता है। एडी करंट बनने के कारण क्या हो जाती है, हमारी हीटिंग प्रोड्यूस हो जाती है, और हीटिंग के कारण क्या हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसके कारण क्या करते हैं, हम उन शीट को क्या कर देते हैं, एक दूसरे से वेल इंसुलेट कर देते हैं, ताकि हमारी क्या ना हो, हीटिंग प्रोड्यूस ना हो। और दूसरी बात, हमारी जितने भी शीट्स हैं सारे गुड कंडक्टर है, अगर एक दूसरे के साथ टच होंगी स्पार्किंग के खतरे बढ़ सकते हैं, और हीटिंग इफेक्ट भी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। सिंपली बात करें दोनों के केस में हीटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या होगी, हमारी एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके कारण क्या करते हैं, हम
जितनी भी शीट्स हैं हमारी उसको क्या कर देते हैं हम एक दूसरे से क्या कर देते हैं वेल इंसुलेट। वार्मर है जो हमारा वो क्या होता है कंसिस्ट होता है दो कॉइल में, एक होती है प्राइमरी कॉइल एक होती है हमारी सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को हम डिनोट करते हैं P1 P2 से और सेकेंडरी कॉइल को हम डिनोट करते हैं S1 S2 से। प्राइमरी कॉइल से हम क्या लेते हैं इनपुट लेते हैं और उस जो हमारी EMF है चेंज हुई है जो उसकी आउटपुट हम कहाँ से लेते हैं सेकेंडरी कॉइल से। मतलब कि जितनी भी हमारी EMF चाहे वो EMF की वैल्यू बड़ी है या कम हुई है उसे हम कहां से लेंगे सेकेंडरी कॉइल में से लेंगे। जहां पर हम क्या कर देंगे सिंपली लोड रेजिस्टेंस जिसके ऊपर हम उस EMF का उपयोग करेंगे उसको हम कहां से लेंगे सेकेंडरी कॉइल में। क्या हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो दो कॉइल्स में कंसिस्ट होता है, एक होती है प्राइमरी कॉइल एक होती है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल जो हम P1 P2 से डिनोट करते हैं सेकेंडरी कॉइल को हम S1 S2 से डिनोट करते हैं। प्राइमरी कॉइल में हम क्या लेते हैं इनपुट लेते हैं हमारे अल्टरनेटिंग EMF की और उसकी जो है आउटपुट है या यहाँ पर उसका यूज़ करना है वो हम कहाँ से लेते हैं हमारी सेकेंडरी कॉइल S1 S2 से। हमारी जो है प्राइमरी कॉइल के नंबर वो सेकेंडरी कॉइल के नंबर के कभी भी बराबर नहीं होती। मतलब कि अगर चार हमारी प्राइमरी कॉइल की टर्न है तो चार हमारी सेकेंडरी कॉइल की नहीं होगी, या उसकी कम होगी या क्या होगी ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर हम इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे दोनों की तो हमारी EMF है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ना वो बढ़ेगी ना वो कम होगी, जितनी उसकी पहले वैल्यू थी उतनी ही वैल्यू उसकी तब भी रहेगी। क्योंकि हमें पता है हमारी EMF है वो किसके बराबर होती है हमारे नंबर ऑफ टर्न के। तो अगर हमारी नंबर ऑफ टर्न दोनों की कांस्टेंट है हमारी सेकेंडरी कॉइल की भी और प्राइमरी कॉइल की भी, अगर हमारे पास जो है नंबर ऑफ टर्न्स वो क्या है कांस्टेंट है, अगर मान लीजिए इसकी भी चार है तो इस प्राइमरी की भी हमारी क्या है चार है, तो बी भी हमने इनपुट चार मिलेगी भी हमको क्या चार, तो क्यों भी कोई भी हमारा चेंज नहीं आएगा EMF का, तो फिर हमारा ट्रांसफार्मर का वर्क क्या हम क्या करवाएंगे वहां पर। तो इसलिए हम क्या करते हैं सेकेंडरी कॉइल की जो हमारी टर्न्स है जहां उसे बढ़ा देते हैं अगर हमें EMF ज्यादा चाहिए, या हम क्या कर देते हैं सेकेंडरी कॉइल की टर्न को कम कर देते हैं अगर हमें EMF की वैल्यू कम चाहिए। हमारी जो है आइडियल ट्रांसफार्मर, बहुत सारा हमारा ट्रांसफार्मर है ये आइडियल नहीं होते क्योंकि इसमें जो है हमारा हीटिंग लूज या बहुत ऐसे लूज हो जाते हैं जिसके कारण क्या होती है इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे हमारी जो है सेकेंडरी कॉइल और हमारी जो है प्राइमरी कॉइल है उसमें जो क्या कर देंगे उसमें जो है रेजिस्टेंस को है वो क्या कर देंगे कम कर देंगे। क्योंकि अगर उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी उसके कारण हीटिंग कम प्रोड्यूस होगी, अगर हीटिंग कम प्रोड्यूस होगी एनर्जी लूज कम होगा जिसके कारण सिंपली कहें हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी काफ़ी हद तक अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर दें हमारी सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसकी वर्किंग कैसे है या वो काम कैसे करता है। तो हमने जैसा पढ़ लिया ट्रांसफार्मर में हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं, एक और P1 और एक P2 और एक S1 और S2। P1 P2 में हम क्या देते हैं AC सिग्नल या अल्टरनेटिंग करंट के सिग्नल्स देते हैं। मान लीजिए P1 और P2 में हमने जो है EMF दी जिसकी वैल्यू है हमारी E0 साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी से वो क्या कर रही है हमारी EMF चेंज कर रही है। इस सिग्नल को हमने किसके अक्रॉस दिया प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस दिया। तो क्या होगा अब हमने मान लिया कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, वो एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो पावर फैक्टर हमें पता है किसके बराबर होता है, पावर फैक्टर हमारा बराबर होता है E I cos phi इसके बराबर होता है हमारा पावर फैक्टर। तो हमें पता है इंडक्टर में हमारी जो है करंट है वो लैग करता है EMF से कितना 90 डिग्री एंगल पे, हमारा करंट जो है 90 डिग्री पीछे होता है किससे EMF से। तो अगर हम देखें cos phi वेयर phi इज लैगिंग इज 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री विल बी जीरो, सो पावर डिसिपेशन इज आल्सो जीरो। तो अगर हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है उसमें जो हमारी पावर डिसिपेट हो रही है चाहे वो नॉइज में हो चाहे वो हीटिंग में हो वो कितनी है जीरो है। तो अगर हमने क्या दिया उसमें E0 साइन ओमेगा टी सिग्नल दिया किसमें प्राइमरी में, तो क्या होगा प्राइमरी में जब जाएगा तो करंट बनेगा चाहे वो 90 डिग्री पीछे बन रहा है लेकिन करंट बनेगा। और करंट जब बनेगा तो उसके कारण क्या होगा उसके परपेंडिकुलरली क्या बनेगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और सिग्नल कौन सा है हमारे पास अल्टरनेटिंग,
जीरो से मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम से फिर जीरो, जीरो से फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, कुछ इस तरह में हमारा जो है एसी सिग्नल क्या करता है, मूव करता है। सिंपली कहे तो उसकी वैल्यू है टाइम टी के साथ क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू क्या करेगी, टाइम टी के साथ चेंज करेगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टाइम टी के साथ चेंज कर रही है तो हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स भी उसका क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो अब क्या होगा, हमारा जो है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वो लिंक किसके साथ होगा, S1 S2 के साथ। सो जब हमारा जो है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा सेकेंडरी कॉइल के साथ तो क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में EMF बनेगी, और EMF बनने के बाद 90 डिग्री एंगल के बाद क्या बनेगी, इसमें करंट बनेगा। और जो भी हमारा सिग्नल बना है, चाहे EMF का सिग्नल हो और चाहे करंट का सिग्नल हो, उसे हम क्या ले लेंगे, आउटपुट यहाँ से लोड रेजिस्टेंस में ले लेंगे। और यहाँ पर कुछ भी हम लगा सकते हैं, कैसी भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो हमने वर्किंग में क्या देखा कि हमने क्या किया, उस सिग्नल को क्या किया, चेंज किया। प्राइमरी कॉइल में हमने E0 sin omega t सिग्नल को दिया, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक सेकेंडरी कॉइल के साथ चेंज हुआ, और सेकेंडरी कॉइल में फिर EMF बनी। और अगर हम EMF को बढ़ाना चाहते हैं या EMF को कम करना चाहते हैं तो हम नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके क्या कर सकते हैं, उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी हमने क्या करना हो ट्रांसफार्मर में। तो हमें पता है EMF जो हमारी किसके बराबर होती है, d∅dt। जितना फ्लक्स जो है चेंज हो रहा है उतनी ही किसी भी कॉइल में क्या बनेगी, EMF बनेगी। और जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या बनेगी, EMF बनेगी। तो अगर EMF की बात कर रहे हैं हम सेकेंडरी के साथ, सेकेंडरी कॉइल के लिए, तो ES, NS इतनी हमारी EMF बनेगी किसमें, सेकेंडरी में। और अगर प्राइमरी की बात करें तो उसमें कितनी होगी, EP, NP, d∅dt। और अगर हम देखें कि d∅dt इसमें भी है, इसमें भी है, अगर इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे और कुछ वैल्यूज निकालेंगे। तो हमारी ES ओवर NS इक्वल्स टू d∅dt और EP और NP इक्वल्स टू d∅dt, और d∅dt से d∅dt कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो लेफ्ट वैल्यू बची वो कितनी आई, ES ओवर NS इक्वल्स टू EP ओवर NP। तो अगर हम यहाँ से ES की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आ रही है हमारे पास, EP, NS और NP। तो हमारी जो है NS और NP है वो क्या है, यहाँ पर NS और NP हमारी क्या है, यहाँ पर NS ओवर NP हमारी है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। कि अगर हम सिग्नल ले रहे हैं तो उसकी रेशो कितनी होगी, अगर हम सिग्नल ज़्यादा लेना चाहते हैं तो वो भी हम किससे डिसाइड करेंगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशन से। अगर हम सिग्नल कम लेना चाह रहे हैं तो वो भी हम कहाँ से डिसाइड करेंगे, इसी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो से क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो है सिग्नल है वो कैसा होगा, ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, वो क्या डिसाइड करती है, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो डिसाइड करती है।